झारखंड के सरायकेला खरसावां पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पिछले दिनों जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के केसरी गैस गोदाम के समीप रेलवे साइट पर हुए बमबारी और गोली मामले का जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए एक बड़े और सुनियोजित गिरोह का खुलासा किया है। वहीं जिला पुलिस ने इस घटना का उद्भेदन करते हुए मामले से जुड़े 10 अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 7.65 mm बोर का पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 2 दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस, 2 कार, 2 मोटरसाइकिल, 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन, 6 अलग अलग कंपनियों के सिम बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार अपराध कर्मियों के नाम ओमी राव, सुनील तिवारी, राकेश पांडे, लालेश वारले, परमेश्वर दास, शशिभूषण भारती, रतन तीव, हसीमुद्दीन अंसारी, जयकांत पांडे और सुनील ठाकुर बताया जाता है। जानकारी देते हुए जिले के SP मोहम्मद अर्शी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कमजोर हुए आपराधिक गिरोह अब नए सिरे से फिर से गैंग तैयार करने में जुटे हैं। साथ ही पड़ोसी जिला जमशेदपुर में अखिलेश गिरोह के कमजोर होने के कारण ये अपराधी नए सिरे से बाहर के शूटरों का सहारा लेकर जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला के कई बड़े प्रोजेक्ट और कंपनियों, खासकर रेलवे के काम में बाधा पहुंचाने की योजना बना रहे थे। वहीं SP ने बताया कि इनके गिरोह में और भी लोग हैं जिनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह में 5 अपराधी हैं, जबकि 5 अन्य पेटी कॉन्ट्रैक्टर और जमीन कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि इस गिरोह का मकसद इलाके में दहशत फैलाना था। वहीं सभी गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व में जमशेदपुर व अन्य जिलों में आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल जिला पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। आरआईटी थाना क्षेत्र में जहां रेलवे का फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, उसके बाहर सड़क पे कुछ अपराधियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और एक छोटा बम भी फोड़ा गया था। उस कांड का अन्वेषण करते हुए हम लोगों ने एक बड़ा उद्भेदन किया है। इसमें लॉकडाउन के बाद के सिनेरियो में बड़े अपराधी उन्होंने एक अपना गैंग बना के कुछ बड़े स्तर पे कुछ करने की चेष्टा की थी। उसके लिए मुख्यतः कृष्णा राव, मनोज सरकार, कार्तिक मुंडा और उसके साथ साथ ये कई सारे इसमें रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर और कुछ ज़मीन कारोबारी भी हैं, जैसे शशिभूषण भारती, सुनील ठाकुर और ये जयकांत पांडे, अन्य लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर कुछ शूटर भी हायर किया था। कुछ शूटर यहाँ से थे, कुछ शूटर छत्तीसगढ़ से भी बुलवाए गए थे और इन्होंने पूरे कोल्हान क्षेत्र में, सरायकेला के अतिरिक्त जमशेदपुर में और अधिकतर चाईबासा जमशेदपुर में कई जगह रेकी की थी। राका माइंस में भी रेकी की थी और कुछ और भी प्रीमाइसेस हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम रेलवे कई सारी फैक्ट्रियों में भी रेकी की थी इन्होंने। और इनका मकसद था कि ताबड़तोड़ फायरिंग करके या और अपराध करके पूरे इलाके में अपनी धाक जमा लेना। तो इस सिलसिले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 तो शूटर हैं और 5 अन्य लोग हैं, जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ कारोबारी हैं जमीन के और कुछ अन्य लोग हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।